मैं अखिल सक्सेना, आज हमारे एवं छात्रों के विशेष आग्रह पर डॉक्टर एस एस चंदेल पाइल्स किडनी स्टोन स्पेशलिस्ट एवं कैरियर काउंसलर हमारे बीच उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हमारे एवं हमारे छात्रों के कुछ कन्फ्यूज़न है कोर्स को लेके, तो कृपया आप बताएंगे कि क्या कोर्सेज हैं, कैसे कोर्सेज हैं और उनकी डिटेल्स क्या हैं। अटल बिहारी विश्वविद्यालय जो कि शासकीय विश्वविद्यालय है, इसके स्टडी सेंटर में मेडिकल रिलेटेड जो कोर्सेज चलते हैं उनके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। पहला सबसे प्रचलित कोर्स है डिप्लोमा इन फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, प्राथमिक चिकित्सा उपचार। इसकी जो है योग्यता 12th पास है, 25,000 के आसपास इसकी फीस है और यह 1 ईयर का कोर्स है। डिप्लोमा इन बेसिक हेल्थ केयर, इसमें सभी पैथीज का अध्ययन कराया जाता है और यह भी 1 ईयर का कोर्स है और 25,000 इसकी भी फीस है। इसके बाद डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, 1 ईयर का कोर्स है और 12th पास इसकी एलिजिबिलिटी है। इसी तरह से पीजी डिप्लोमा इन बेसिक हेल्थ केयर, यह कोर्स जिन्होंने साइंस से उनके लिए बहुत ही अच्छा कोर्स है। बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएएमएस डॉक्टर्स भी इस कोर्स को कर सकते हैं और इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने क्षेत्र में वर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें जैसे किसी छात्र को अगर प्रवेश लेना हो तो वो कैसे ले सकते हैं? छात्रों को प्रवेश लेना हो तो गवर्नमेंट की वेबसाइट एमपी ऑनलाइन के माध्यम से वह अपना एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन के टाइम 10th 12th आधार फोटो साइन और ब्लड ग्रुप लेके जाना होगा। डॉक्टर साहब, इसकी स्टडी कैसे करेंगे? इसकी स्टडी करने के लिए स्टूडेंट को अपने अध्ययन केंद्र से संपर्क करना होगा। अध्ययन केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यमों से स्टडी कराई जाती है और इनकी पुस्तकें अध्ययन केंद्रों के द्वारा छात्रों को उपलब्ध कराई जाती हैं। डॉक्टर साहब, इन कोर्सों को करने के बाद गवर्नमेंट जॉब में क्या संभावना है? इन कोर्सेज को करने के बाद गवर्नमेंट में एवं प्राइवेट सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, पीईवी के माध्यम से ग्रुप 4 की जो जॉब्स निकली थी उसमें इन कोर्स प्राथमिक चिकित्सा उपचार वालों के लिए भी चांस दिया गया था। स्टूडेंट अपनी तैयारी रखें तो निश्चित तौर पर वह गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे इन सवालों के अलावा आपसे कोई जानकारी लेना चाहे तो कैसे ले सकता है, कहां संपर्क करना है उसको, कैसे करना है? यदि स्टूडेंट या स्टूडेंट के अभिभावक हमसे विद्यालय में संपर्क करना चाहते हैं तो वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, और यदि आप हमसे पर्सनली कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और निसंकोच आप कभी भी हमारे नंबरों पर कॉल करके समस्त जानकारियां ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कन्फ्यूजनों को दूर किया और अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।